हेलो एंड वेलकम टू आवर शो गाइस, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। दोस्तों, कंप्यूटर फॉर एवरीवन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत गाइस। जैसा कि आपको पता है कि ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज में चला रहा हूं और जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी 5 वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। गाइज, ये जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। राइट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ड रूपी इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ड रूपी, जो रूपी वर्ड है, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, तो गाइस, रूपी जो वर्ड है ये संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, द वर्ड रूपी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड रूप्यकम। रूपी जो वर्ड है ये संस्कृत के वर्ड रूप्यकम से लिया गया है। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट कार्ड इज आल्सो नोन एज। डेबिट कार्ड को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो डेबिट कार्ड इज आल्सो नोन एज चेक कार्ड। ठीक है, चेक कार्ड भी कहा जाता है, चेक कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इज ए पेमेंट कार्ड, एक तरह का पेमेंट कार्ड होता है दैट इज लिंक टू योर चेकिंग अकाउंट। ठीक है, जो कि बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, लिंक होता है जिसके जरिए आप कोई भी पेमेंट परफॉर्म कर सकते हैं या करते हैं। इज देयर नॉट रीस्टोर बटन इन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो में रीस्टोर बटन नहीं होती, तो दिस इज फॉल्स, होती है। राइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो में रीस्टोर बटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज उमंग ऐप इज मल्टी लैंग्वेज ऐप। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या उमंग ऐप जो होता है ये मल्टी लैंग्वेज ऐप होता है, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। तो यस, ट्रू। राइट, यहाँ पर उमंग ऐप जो होता है ये 13 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए इंट्रोड्यूस कराया गया था और जो कि 13 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम आल्सो प्रोवाइड्स ई वैलेट फैसिलिटी विद ई कॉमर्स। आपसे कहा जा रहा है कि पेटीएम ई कॉमर्स के साथ साथ क्या ई वैलेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो यस, पेटीएम में ई वैलेट फैसिलिटी भी होती है। ठीक है, जिसको कि हम पेटीएम वैलेट कहते हैं। पेटीएम वैलेट क्या होता है, पेटीएम वैलेट इज ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज यू टू मेक ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट्स। ठीक है, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, एक ये आप कह सकते हैं एक वैलेट होता है जिसमें आप अमाउंट स्टोर करके रख सकते हैं और उसको उसके जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। आपने सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी तरीके से डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, इसी तरीके से जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं। राइट, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, जस्ट लाइक जो है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। राइट, सो दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स। ठीक है, विंडोज एक्सपी। ठीक है, मैक। राइट, सो दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज व्हाट्सएप कैन बी इंस्टॉल इन कंप्यूटर। क्या व्हाट्सएप कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है, तो यस, ट्रू, व्हाट्सएप कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज स्टोरेज पावर ऑफ कंप्यूटर इज इन जीबी, एमबी एंड टीबी। क्या कंप्यूटर में जो स्टोरेज पावर होती है वो गीगाबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट में हो सकती है, तो यस, गीगाबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट में हो सकती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सेल इज फॉर्म थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। क्या रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो यस,
cell is formed through the intersection of rows and columns, right? Next question यहाँ पर, to use thesaurus in MS Word, the keyboard shortcut is, देखिए ये चीज़ मैं आपको practical भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं MS Word open कर लेता हूँ, और यहाँ पर suppose that मैंने लिखा IntelliZ, okay, IntelliZ मैंने यहाँ पर लिखा, और मैं यहाँ पर Shift plus F7 press कर रहा हूँ, तो Shift plus F7, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ये thesaurus window open हो जा रही है, और intelligence related जो synonyms हैं, right? Synonyms means पर्यायवाची, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो synonyms word है, जैसे intelligent, ठीक है, तो इससे related synonyms क्या हो जाएंगे, clever, smart, intellectual, quick, sharp, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप shift plus F7 के जरिए thesaurus परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर किसे या किसको जाना जाता है, तो एडा लोलेस वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर एंड इज नाउ वाइडली कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड हर मेथड इज रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, राइट, तो नेम याद रखिएगा एडा लोलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू वॉज डेवलप्ड बाई, तो उबंटू एक्चुअली क्या है, उबंटू इज ए लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, और जो कि डेवलप किया गया था, दैट द सिस्टम इज डेवलप्ड बाई यूके बेस्ड कंपनी कॉल्ड कैनोनिकल लिमिटेड, राइट, तो कैनोनिकल लिमिटेड जो कि यूके बेस्ड कंपनी है, जिसके जरिए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, IE stand for, you know very well, IE, Internet Explorer. Next question यहाँ पर देखें, तो, okay, hub device is used in which topology? Hub device जो होती है, वो किस topology में use की जाती है? तो guys, already topology आपने discuss किया हुआ है, तो star topology में हम लोग hub device को use करते हैं, ठीक है? स्टार टोपोलॉजी जिसमें आपने देखा था कि एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिससे कई सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, कई सारे नोड्स सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं और एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसीलिए स्टार टोपोलॉजी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाउ मेनी साइज ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोडेड इन डिजीलॉकर, डिजीलॉकर में कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है, तो 10 MB साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इरेज द वर्ड रिटन इन लेफ्ट साइड द की इज यूज्ड, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि लेफ्ट साइड पे जो वर्ड्स लिखे हैं उनको इरेज करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है, राइट, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने MS Word ओपन किया हुआ है, और चलिए मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ आपको, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये इंटेलिजेंट लिखा हुआ है और एंड दिस इज द, मान लीजिए कि कर्सर यहाँ पर, ठीक है, कर्सर आपने यहाँ पर रखा हुआ है एंड दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, सॉरी दिस इज द राइट साइड, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड मतलब इधर जो वर्ड्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट करना है, मैं यहाँ से बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए जैसे ही जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये कैरेक्टर्स डिलीट होते चले जाएंगे कुछ इस तरीके से, राइट, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि टू इरेज द वर्ड्स रिटन इन लेफ्ट साइड द की इज यूज्ड दैट इज बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन यूज यूपीआई इन वन डे, यूपीआई एक दिन में कितने टाइम्स यूज किया जा सकता है, सॉरी हाँ यस कितने टाइम्स यूज किया जा सकता है, तो 24 hours UPI आप यूज कर सकते हैं, राइट, 24 hours आप यूज कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, WMP stand for विंडोज मीडिया प्लेयर, USSD was launched by, तो USSD है क्या,
तो यूएसएसटी स्टैंड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, और जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था एनपीसीआई के जरिए। ठीक है, एनपीसीआई क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एनपीसीआई के जरिए यूएसएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन आईएफएससी कोड? गाइस, आईएफएससी कोड आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने कैरेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर 11 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट फोर जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट द बैंक नेम, क्योंकि जो पहले फोर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो बैंक नेम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द लास्ट सिक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं ये न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और अल्फाबेटिक भी हो सकते हैं, जो कि ब्रांच में ब्रांच रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट सिक्स कैरेक्टर होते हैं वो ब्रांच रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लास्ट सिक्स कैरेक्टर्स होते हैं इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेटिकल वैल्यू भी हो सकती है, एंड जो फिफ्थ कैरेक्टर होता है दैट इज जीरो, और जो कि रिजर्व होता है फॉर फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए? 11 कैरेक्टर। फिर यहाँ पर बिटवीन 100 एंड 200 रुपीज नोट विच नोट साइज इज लार्जर, कौन से नोट की जो साइज है वो लार्जर है? तो 200 रुपीज जो नोट होता है वो साइज में लार्जर होता है इन कंपेरिजन टू 100। क्रिप्टो करेंसी इज स्टोर्ड इन, क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर होती है? क्रिप्टो वैलेट में स्टोर होती है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर करता है? क्रिप्टो वैलेट में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VLSI सर्किट वॉज यूज इन विच जनरेशन? तो VLSI जो सर्किट्स होती हैं फोर्थ जनरेशन में यूज होती थी। ठीक है, और फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, दैट वॉज यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट फाइल इन लिनक्स द कमांड इज यूज्ड, लिनक्स में फाइल क्रिएट करने के लिए जो कमांड यूज होता है दैट इज कैट कमांड। ठीक है, तो कैट कमांड के जरिए आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं लिनक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स आर इन आधार नंबर? ठीक है, तो आधार नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं आपको पता ही है, 12 डिजिट होती है। आधार किसके जरिए इशू किया जाता है? UIDAI। ठीक है, इशूड बाई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश इन जनवरी 2009 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। और फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, और इस तरीके से आपने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन। राइट, तो इसी तरीके से हम एक नए वीडियोज के साथ में कुछ नई इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।